अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन, उपद्रव, हंगामा, आगजनी की घटना को देखते हुए गया पुलिस ने रणनीति तैयार की है। पुलिस की चौक चौपन व्यवस्था और पुलिस की कुशल रणनीति की बदौलत योजना के विरोध के दूसरे दिन शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रही। दूसरे दिन उपद्रवियों से निपटने के लिए CRPF को उतारा गया है। CRPF ने फ्लैग मार्च किया, साथ ही गया जंक्शन पर GRP और RPF को मदद करने के लिए गया पुलिस मौजूद रही। पुलिस की मौजूदगी के कारण यहां अमन रहा। फ्लैग मार्च में शामिल पदाधिकारी और जवानों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और बहकावे में नहीं आने और स्वविवेक से काम लेने का आग्रह किया है। यह मार्च शहर के प्रमुख मार्ग से गुजरा। वहीं गया जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म आसपास क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूसरे दिन स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। शुक्रवार की शाम को विष्णुपद थाना क्षेत्र के मारनपुर में उपद्रवियों और पुलिस के बीच पथराव की वारदात हुई। पुलिस ने भी सख्ती बरता। DSP ने बताया कि मारनपुर में पथराव की वारदात हुई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। सड़क से लेकर गया जंक्शन पर सुरक्षा के चौक चौबंद व्यवस्था नगर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, सहायक पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था भरत सोनी, नगर पुलिस उपाध्यक्ष PN साहू, SDO इंद्रवीर कुमार ने शहरी क्षेत्र में सुरक्षा की कमान संभाले हुए थे। अलग अलग पदाधिकारियों व जवानों की टोली बनाकर संवेदनशील क्षेत्र में निरंतर भ्रमण कर रहे थे। इन पदाधिकारियों की मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था कायम रहा। धार्मिक संस्थानों के बाहर रही सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम और शुक्रवार यानी जुमा को लेकर कुछ अफवाहें भी फैली थी। इस अफवाहों को पुलिस प्रशासन सिरे खारिज करते हुए शहरी क्षेत्र के जामा मस्जिद, छत्ता मस्जिद, पीर मंसूर, मुरारपुर, करबला, नादरागंज आदि स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके। भाजपा कार्यालय पर पुलिस का पहरा भी लगा रहा। सूबे के अलग अलग स्थानों पर सत्तारूढ़ दल भाजपा कार्यालय को निशाना बनाया गया था। शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय आनंदी माई मोड़ पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि यहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं हो। भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।